ओम शांति। आज 2 अगस्त 2022, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरण करो तो कभी भी किसी बात में उलझेंगे। क्या करो, पढ़ाई का सिमरण करते रहो तो कभी किसी बात में उलझेंगे नहीं। क्या ये बात ठीक है? पढ़ाई का सिमरण करने से याद माने भी तो सिमरण ही होता है। अच्छा, तो हमें क्या बाबा ने तो कहा सिमरण, सिमरण माना याद। आप यहाँ पर सिमरण का मतलब याद ही लो, ठीक है? आप याद ले रहे हो, सिमरण ले रहे हो, एक ही बात है। तो याद करने से कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं, याद है। क्योंकि बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, जो हमें सलाह दी है, रोजाना हमें सलाह दे रहे हैं, वो सलाह हमें याद है और हम उस सलाह पर चलें। हमें सलाह याद ना हो कि हमने क्या करना है, अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, हमें क्या करना है। हमें याद है तो हम उस सिचुएशन पर चल पड़ेंगे, तो हम उलझेंगे नहीं। अब हमें नहीं पता कि अब ये आए तो क्या करना है, तो हम अटक जाएंगे ना। बहुत सीधी सी बात है कि मान लो कि आपकी दादी है, आपकी सास है, आपके कोई बुजुर्ग है और उसने आपको बताया है कि ऐसी मुसीबत आ जाए, ऐसे हो जाए तो ऐसे करना। अब वो बता के बेशक चली गई, शरीर भी छोड़ दिया, कई सालों भी गुजर गए, पर तो आज वो बात आपके सामने आई है तो आपको याद आ गया कि दादी ने कहा था ऐसा हो तो ऐसे करना और आपने वैसा किया, आपकी समस्या क्या हो गई, हल हो गई। अब इसी पर उसकी जगह पर परमपिता परमात्मा कहते मैं आपको रोजाना हर बात पर क्या करना है, कैसे करना है, रोजाना समझा रहा हूं। आप रोजाना का होमवर्क करते रहेंगे, हर बात को अपनी बुद्धि में याद करके रखेंगे और समय पर वो आपको याद आ जाएगी तो आपकी समस्याएं क्या हो गई, हल हो गई। तो आप मुझेंगे नहीं। इस टाइम क्या करना है, बाबा ने हर बात का समाधान हम सबको बताया हुआ है तो उसी को याद रखेंगे तो हमारी कभी भी कहीं भी हमें अटकना नहीं पड़ेगा, मूझना नहीं पड़ेगा कि क्या करें। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परम आत्मा, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, जो सारे संसार की आत्माओं का गाइड है। प्रश्न, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रहता है? इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है, किनको रह सकता है, किनको रह सकता है? जो बाबा के बच्चे तो सारे हैं, जो अपने आप को जो गरीब बच्चे हैं, अलग होती है ना, बाबा कोई अलग ही बात बताएगा ना। जो गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पद्म पति बनते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं ना, वो दुखी होते हैं, अमीर तो सुखी है, उसके पास सारा कुछ है, नशा है उनको अपने धन का, अपने साधनों का, अपने सुविधाओं का। गरीब के पास अभाव है, वही ढूंढ रहा है, ठीक है? तो गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पद्म पति बनते हैं। पद्मा पद्म पति क्या होता है?
पदम माना कमल, पवित्र है नहीं, उनको समझ में आता है कि हम पवित्र बने। गरीब झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, ठगी कर सकता है, परंतु अमीर की अपेक्षा कम। आज के इस कलयुग में गरीब झूठ चोरी ठगी जो भी कर सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर सकता क्योंकि नर्क है, परंतु एक अमीर की निस्बत कम। अमीर तो बना ही चोरी पर है, अमीर तो बैठा ही झूठ के ढेर पर है, उसके तो पाप ही बहुत बड़े बड़े हैं, उसके छोटे पाप तो है ही नहीं। गरीब तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए झूठ बोलेगा, ठगी करेगा, कुछ करेगा, परंतु गरीब को ये पता है कि मुझे, अब बहुत सच भी बोलते हैं गरीब, अमीर नहीं बोल सकते सच, उनके पास तो सच बोलने का गुंजाइश ही नहीं है। तो गरीब सच भी बोल देता है और गरीब मतलब छोड़ भी सकता है, उसको पता है आज नहीं है तो कल कमा लूंगा, उसको पता है आज आज कम खा लिया कोई बात नहीं, कल और कम खा लेंगे, कल और कमा लेंगे, मतलब वो उसको। तो बाबा गरीब निवास है, तो जो गरीब बच्चे हैं उनको ही परमात्मा की तलाश होती है, और जब परमात्मा मिल जाए तो उसकी श्रीमत पर चलना उसके लिए क्या होता है, सहज, सहज होता है। तो पदमा पदमपति बनना माना पवित्र कर्मों की कमाई करना, क्योंकि वहां पैसों का गिनती नहीं है। सत्युग में जाएंगे हमारे पास कोई पैसे नहीं मिल रहे, हमने पद्मा पदम मतलब पवित्र कर्मों का क्या किया, संचय किया। मुद्रा का मतलब ही नहीं, तो पद्मा पदम पति बनना मतलब पवित्र कर्मों के खजाने से संपन्न बनना। वही जल्दी समझेगा कि ठीक है स्वर्ग में जाना है, बस हमने किसी को दुख नहीं देना, हमने किसी से दुख नहीं लेना, सबको रूहानी सुख देना है, सबसे रूहानी सुख लेना, जिस्मानी सुख की डिमांड ही नहीं करनी, जिस्मानी सुख लेना ही नहीं है, दे भी तो नहीं लेना, ठीक है ना। मतलब हमने लेना ही रूहानी सुख है, देना भी रूहानी सुख है, और किसी भी प्रकार का किसी भी आत्मा को ना दुख देना है और ना दुख, सिंपल सा तरीका है। सारे मेरे भाई हैं, कोई मेरा नहीं, सारे बाप के बच्चे मेरे भाई हैं, पर तो कोई मेरा नहीं है, सारे परमात्मा के बच्चे, किसी में बुद्धि फंसाना नहीं। ये है तरीका हमें पद्मा पद्म पति बनने का, कोई पैसा खर्च करना नहीं, पैसा भी कोई खर्च करना नहीं, बहुत सिंपल है। वे माला में पिरो सकते, जो ऐसे पवित्र कर्म करेंगे वही फिर माला में पिरो सकते हैं, वही फिर वैजयंती माला में आएंगे। सौकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा है, बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए, ऐसे वाले बच्चे नहीं चाहिए, कौन चाहिए, गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही सौकार बनना है, गरीबों को क्या बनना है, सौकार बनना है। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल, ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहां दुख का नामो निशान ही नहीं, जहां दुख का नामो निशान ही नहीं है, जिसको नाम ही है सुखदाम। हम कहां जा रहे हैं, जिसका नाम ही है सुखदाम, हम उस सुखधाम वह स्वर्ग के मालिक थे। सुखधाम में तो सतयुगी था, जब सुखधाम था तो क्या था, सतयुग था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम
हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तो तुम कौन हो? ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो, क्या लिखते हो? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा पांडव भवन माउंट आबू राजस्थान। आज आपको एड्रेस मिल गया, ठीक है? भगवान को चिट्ठी लिखनी हो, एड्रेस समझ में आया? नहीं है लिखने के लिए, चलो और चिट्ठी लिखनी हो तो एड्रेस याद रखो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, ठीक है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन माउंट आबू राजस्थान। और एक एड्रेस है, टेलीफोन करना हो तो, हाँ क्या है वो? टेलीफोन करने का नंबर क्या है? भूल गए? नहीं, जीरो तो नहीं होता, ये तो आपने, आप भूल गए तो गड़बड़ है, बाकी कोई भूल जाता तो कोई बात नहीं। हाँ है तो जीरो से ही, परंतु जीरो नहीं, टेलीफोन नंबर भी आपको देते, उसके लिए टेलीफोन भी खरीदने की जरूरत नहीं, बिना टेलीफोन के कर सकते हैं। हाँ बता रहा हूँ, वो तो बताना ही पड़ेगा ना, वरना तो सारे सारे दुखी हो जाएंगे ना। बिना टेलीफोन के टेलीफोन कर सकते हो, हाँ 330। उसके अंदर इसका विधि बताता हूँ, क्यों ये 00030 दिया, क्योंकि उसका विधि भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है नहीं? तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जो मोबाइल करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, उसमें ज़ीरो तब लगाया जाता है जब हमें एसटीडी करना हो। एसटीडी करना होता है तो हम क्या लगाते हैं उसमें? ज़ीरो लगाते हैं, ठीक है कि नहीं? और दो ज़ीरो लगाते हैं जब हमें इंटरनेशनल करना है, हमें देश से बाहर फ़ोन करना है, तो उसके लिए हम 20 लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ लगाने हैं 30, और यहाँ पहला ज़ीरो लगाना है। पहला ज़ीरो लगाते हैं ना तो मोबाइल समझ जाता है कि ये इंडिया में कॉल नहीं कर रहा, ये इंडिया से एसटीडी कॉल कर रहा है, लोकल नहीं कर रहा, ये एसटीडी कॉल कर रहा है, ठीक है? इंडिया में ही है पर तो ये अपने लोकल शहर से बाहर जा रहा है, ज़ीरो लगते ही, ठीक है कि नहीं? तो इसी प्रकार से हम आत्मा है, जैसे ही मैं आत्मा जीरो समझा, मैं देह से बाहर हो गया, मैं देह से बाहर हो गया, मैं देह से अलग हो गया ना, ये मेरा शरीर है, किया हुआ कोई बात नहीं, मतलब ये शरीर है, जैसे ही मैंने समझा मैं आत्मा शून्य हूँ, जीरो हूँ, तो मैं अलग, शरीर अलग, दो चीजें हो गई, ठीक नहीं? बाहर हो गए ना, लोकल से हम बाहर आ गए। दूसरा, ये वर्ल्ड जो है ये ड्रामा भी जीरो है, तो मैं इस वर्ल्ड से भी बाहर हो गया। अब तीसरा जीरो परमात्मा, अब कनेक्शन जुड़ जाएगा, अब आप बाबा से जितनी देर बात करो, क्योंकि आपने देह से निकलना है, इस वर्ल्ड से निकलना है, और फिर तो आप और आपका बाबा, फिर कितनी देर बात करो, है नहीं? कितनी देर भी बात करो, अब आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई पैसा नहीं लग सकता, कुछ नहीं लगना, आप घंटों बाबा के साथ बात करो। ये 20 लगते ही, तीसरी जीरो लगते ही आप क्या हो जाते हैं? सीधे एकदम बाहर, है नहीं? इस देह से बाहर, इस संसार से बाहर, और सीधा परमपिता परमात्मा के पास, ठीक है कहने? तो हम फिर जुड़ जाते हैं, ये है हमारा टेलीफोन नंबर, जिसके लिए टेलीफोन भी नहीं चाहिए। आग लगी हो, बाढ़ लगी हो, कहीं फंसे हो, तुरंत याद दिलाएं, हाँ जी, नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है, नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जब चारों तरफ आग लगी हुई हो उस समय तुरंत पहले देह से न्यारे, फिर वर्ल्ड ड्रामा, जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो राइट हो रहा है, ओम शांति। अब सीधा परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ो और बाबा की श्रीमत पर अपने आप को बिजी करो। तो यह भी तुम अभी जानते बरोबर हमारी चढ़ती कला है। हमारी क्या है? अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला
और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। चढ़ती कला को तुम बच्चों ने क्या समझा है? अच्छी रीति समझा है। तुम ये भी समझते हो, भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे, उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में, इसलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं, मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं ये होकर गए हैं, ये कभी थे, ये सब समझते हैं। हम भी ये समझते थे, चाहे वो भगत हो चाहे आप भी, मतलब ये कभी थे होकर गए हैं। कब कब थे ये नहीं जानते, मतलब ये वंडरफुल, ये समझते हैं कि ये कभी यहां थे, परंतु ये कब यहां थे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वेदों में ही लिख दिया नेति नेति। हम नहीं जानते कि कब कैसे परमात्मा आया या इस शरीर को रचा, कैसे ये ड्रामा चला, कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म होगा, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम किसको भी समझा सकते हो, क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, भारत स्वर्ग था। और हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, आज से 5000 साल पहले स्वर्ग था, महाभारत हुआ थे नहीं, महाभारत से पहले तो स्वर्ग था ना, महाभारत हुआ तो उससे पहले कौन था, कृष्ण, कृष्ण का मतलब वैकुंठ, जब कृष्ण था तो क्या था, वैकुंठ था, ठीक है नहीं। तो मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कृष्ण माना वैकुंठ, तो दोनों बातें मिलती। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही, ये 5000 का साल का चक्र है, इस चक्र को तो चलना है, ये तो रुक सकता नहीं, पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं, बाप पढ़ाते हैं, ये नशा चढ़ना चाहिए ना, ये नशा चढ़ना चाहिए ना। गाया भी हुआ है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, सिर्फ ये भूल कर दी, क्या किया है, सिर्फ भूल कर दी है, जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, बाप के बदले किसका नाम डाल दिया, बच्चे का नाम डाल दिया है। इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो, बच्चे का नाम मतलब क्या है, किस बच्चे का नाम, कृष्ण का नाम। गीता का ज्ञान परमात्मा कहते मैंने दिया, परंतु उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने। इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो, वो नहीं समझते, इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा, कृष्ण को तो कह नहीं सकते, कृष्ण को तो पतित पावन कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, कृष्ण भगवान है भाई, अच्छा वो बच्चा है, नंबर एक वो बच्चा है, बड़ा तो है ही नहीं, वो बच्चा है। दूसरा हाँ, वो भी संदीपनी गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता है, उसने भी जन्म लिया, परंतु दुनिया वालों के दिमाग में है कि वो भगवान है, तो वो सतयुग में होता है, जब कृष्ण होता है
तो कोई पति तो होता ही नहीं, सारे ही पावन होते। और जब दुनिया पतित होती है तो सबसे पहले पतित कौन बनता है? कृष्ण ही पतित। तो जब सारे पतित होते हैं तो कृष्ण कृष्ण के रूप में नहीं आता, कृष्ण केवल एक ही बार कृष्ण के रूप में होता है। वो रूप पूरे कल्प में 84 जन्म लेता है, परंतु 84 जन्मों में कभी भी वो रूप उसे नहीं मिलता। इसलिए कृष्ण जब होता है तो कोई पतित नहीं होता, यानी जब कृष्ण पतित होता है या दुनिया पतित होती है तो कृष्ण भी पतित होता है। तो वो पतित बनता है तो पावन बनाने वाला परमात्मा होगा, भगवान होगा, गॉड फादर होगा। कृष्ण को तो कह नहीं सकते, ये बात बुद्धि में सिमरन करते रहना, ये बुद्धि में याद रखना है कि कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरन चलता है, तभी तो पेपर में पास होते हैं। यदि पढ़ाई को याद ना करे, उसको घर जाकर रिवाइज ना करे, कापियों में नोट ना करे, बार बार रिवीजन ना करे, तो पास नहीं हो सकते। तुम भी अगर ये सिमरन करते रहेंगे तो कभी मुंझेंगे नहीं। जो बाबा रोजाना हमें पढ़ा रहा है ये याद करते रहेंगे, जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है, अब हमारी क्या है? चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है, और जैसे ही सेकंड में क्या मिलेगी हमको? जीवन मुक्ति। कैसी मिलेगी? मिलेगी सेकंड में जीवन मुक्ति, जितना हमने पुरुषार्थ करके अपने आप को बनाया होगा, जितना हमने पुरुषार्थ करके अपने आप को बनाया होगा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का अधिकारी बना, बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहां तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है, यहां मिलता है आपको जीवन मुक्ति का राज्य भी और भाग्य भी। और किससे मिलना है? वो बाप से, परमपिता परम आत्मा से। ये भी जानते हो बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप माना सारे यूनिवर्स की आत्माओं का पिता, कंप्लीट। कोई भी आत्मा नहीं बचती जिसका पिता वो ना हो। और बेहद का वर्षा माना कंप्लीट, जो परमात्मा के पास है वो सारा का सारा हर आत्मा को देते, मतलब कोई चीज छुपा के नहीं रखते, सारा का सारा देते। अब लेने वाले की मर्जी है कि वो परमात्मा से कितना ले। हाँ जी, हर एक अपनी मर्जी है, जितना पुरुषार्थ करेगा उतना लेगा। पर तो परमात्मा तो सबको सारा का सारा ही देते हैं ना, परमात्मा तो नहीं रोकते कि नहीं नहीं इसके पास ये नहीं देना। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रहे हो, भक्ति मार्ग में किसी ना किसी को याद ही करते रहते हैं, चित्र भी सबके मौजूद हैं, पूजा पूजे जाते हैं ना, चित्र बहुत सारे हैं, सब उनकी पूजा कर रहे हैं। ये भी राज बाप ने समझाया है। इन बातों में कोटों में कोई, करोड़ों में कोई अच्छी रीति समझे, सारे नहीं समझेंगे, सारे नहीं समझेंगे, करोड़ों में कोई समझेंगे, उनमें से भी कोई प्राप्त करे। अच्छी रीति समझने वाले तो कोइयों में भी कोई। फिर कोई संशय उठाएंगे, कईयों को डाउट बैठेगा, पता नहीं क्या बोलते हैं, भगवान पढ़ाता है कैसे हो सकता है। कोई को संशय ना आए,
इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है कि तुम आत्माओं का पिता है परम आत्मा। शरीर का पिता सबका अलग अलग है, सब आत्माओं का पिता एक है, शरीर के पिता अलग अलग हैं। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ करके राजयोग तो नहीं सिखाया जाएगा ना, युद्ध के मैदान में तो राजयोग नहीं सिखाया जाएगा ना, ये तो नहीं हो सकता। ऐसे थोड़े ही बैठ राजयोग सिखाएंगे, अब ये तो झूठ हो गया। दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से कौन निकला, ब्रह्मा। देखा है ना, विष्णु की नाभि से कौन निकलता है, ब्रह्मा। कैसा होता है ब्रह्मा? हाँ जी, हाँ, सारे शास्त्र भी उसने उठाए हुए, कितनी वंडरफुल बात है, सारे शास्त्र भी उसने उठाए हुए हैं, मुकुट भी पहना हुआ है, बूढ़ा है और नाभि से पैदा हो गया। और हमने आंख बंद करके कहानी सुना दी, आंख बंद करके सतवचन कह दिया, कभी समझ में नहीं आया कि ऐसे भी ब्रह्मा निकल सकता है। फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए, सारा झूठ हो गया ना, ऐसे कोई पैदा ही नहीं हो सकता। पैदा होगा तो बच्चा पैदा होगा, ये तो ना कि एकदम पूरा का पूरा बूढ़ा निकल आएगा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए, ब्रह्मा के हाथ में क्या दे दिए, शास्त्र। वास्तव में अब हमें क्या समझ में आया, ब्रह्मा बूढ़ा कहां से आ गया, फिर बूढ़ा ब्रह्मा कहां से आया। दिखाते हैं ना कि कृष्ण के हमें हमेशा बचपन के फोटो मिलते हैं, जवानी के फोटो मिलते हैं, उनके प्रौढ़ावस्था के फोटो नहीं। लक्ष्मी नारायण के हमेशा प्रौढ़ावस्था के फोटो मिलते हैं, उनके बचपन और जवानी के नहीं। और ब्रह्मा के हमेशा बूढ़े के फोटो मिलते हैं, उनके बचपन जवानी और प्रौढ़ावस्था के फोटो नहीं मिलते, है ना। तो वास्तव में कृष्ण बचपन और जवानी में, कृष्ण जब युवा अवस्था में प्रौढ़ अवस्था में आता है तो राधा और कृष्ण की क्या होती है, शादी होती है। बिल्कुल, युवा अवस्था के जो भी आप समझो, मतलब युवा अवस्था में जब 33 वर्ष का हो गया, जब सतयुग के आदि में आए, राधा और कृष्ण की सबसे पहले क्या होती है, शादी होती है। सगाई का मतलब नहीं है, सीधा शादी होती है। और दुनिया वाले कहते हैं राधा और कृष्ण की शादी नहीं होती, दुनिया वाले कहते हैं राधा और कृष्ण की शादी नहीं होती है। अब परमात्मा ने आके समझाया बच्चे, क्योंकि उन्हें अपने नाम की स्मृति ही नहीं रहती, इसलिए राधा का नाम लक्ष्मी और कृष्ण का नाम नारायण रखा जाता है। और किसकी शादी हुई, लक्ष्मी नारायण की, किसकी शादी हुई, लक्ष्मी नारायण की शादी हुई, इसलिए लक्ष्मी नारायण का बचपन नहीं है। शादी राधा और कृष्ण का नाम बदली हुआ ना, इसीलिए आज तक शादी के समय नाम परिवर्तन करने का नियम है। इसलिए आज तक विवाह होने पर दुल्हन को लक्ष्मी के रूप में लाया जाता है। तो नारायण, लक्ष्मी और नारायण के रूप में जब पूजन होता है, जब फेरे होते हैं, उस समय उनको लक्ष्मी नारायण का ही नाम देकर उनको फेरे दिलाए जाते हैं। मतलब ये तभी से चला रहा है। परंतु बात क्या हुई कि भाई, इसलिए दुनिया वाले नहीं जानते कि राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, इसलिए उनके वो बचपन और युवा अवस्था का रूप था, और प्रौढ़ अवस्था होते ही शादी। और जब लक्ष्मी नारायण का बुढ़ापा नहीं है, लक्ष्मी नारायण का बुढ़ापा नहीं है, तो जब वो जन्म लेते लेते एकदम तमो प्रधान पतित हो जाते हैं, तब परमपिता परमात्मा आकर उस वृद्ध तन का आधार लेकर उसके द्वारा सारे शास्त्रों का सार सुनाते हैं,
उसका नाम परमात्मा आकर ब्रह्मा रखते हैं, इसलिए ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाया। यानी तो ब्रह्मा बनता वही है, वही विष्णु वाली आत्मा ब्रह्मा बनती है, और ब्रह्मा फिर परमात्मा से ज्ञान लेकर विष्णु बनता है। ब्रह्मा बनना माना पतित होना, और पतित से पावन बनना माना विष्णु बनना। तो सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके, तो यहां ही सार समझाएंगे ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं समझाएंगे ना, ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते। आपके पास ये चित्र बाबा कहते होना चाहिए, ये चित्र पर सबको समझा सकते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। प्रदर्शनी में भी ये चित्र काम में आएंगे, इसको प्रदर्शनी में भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा हुआ है चित्र, ठीक है क्या नहीं? ये है ब्रह्मा वाला चित्र, ब्रह्मा कैसे जो है ना आता है। देखा है इधर इधर ये वाला, देखे देखा हुआ ना चित्र का? नहीं नहीं वो वाला चित्र, मतलब इसमें दिखाया है कि नारायण जो है लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जो है पांव दबा रही है, फिर जादू का खेल शुरू होता है, विष्णु की नाभि से जो है ना एक कमल निकलना शुरू करता है, और वो कमल फिर हाँ वो फिर ब्रह्मा बन जाता है। स्पष्ट हुआ? हाँ जी, हाँ कृष्ण के रूप में, मतलब लास्ट जन्म में परमात्मा आकर बनाते हैं। तो ये दिखाया है दुनिया वाला भक्ति मार्ग वाला, ठीक है ना? तो भक्ति मार्ग वाला चित्र बाबा कहते सबको समझाओ, वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी केवल मॉडल आकार, क्योंकि अगले लाइन में स्पष्ट किया। तो शास्त्रों का सार किसको समझावें? तुम जानते हो ये सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड है, भक्ति मार्ग के कर्मकांड। सत्युग त्रेता में ये भक्ति मार्ग तो होता ही नहीं, सत्युग त्रेता में कोई भक्ति मार्ग का कर्मकांड नहीं हो सकता, वहां है ही देवताओं की राजधानी, भक्ति कहां से आ सकती है? ये भक्ति तो बाद में होती है, तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं, बाप में निश्चय रखेंगे तो जरूर बादशाही स्वर्ग के राजा ही मिलेगी। मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूं। शिव को कभी गोरा कभी सांवरा नहीं कहेंगे, क्यों? शिव को कभी गोरा भी नहीं कहेंगे, सांवरा भी नहीं कहेंगे। कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, शिव को नहीं, क्योंकि कृष्ण जो है देह में आता है, देह में आने के कारण धीरे धीरे वे सुंदर से श्याम बन जाता है, फिर परमात्मा आकर उसे श्याम से सुंदर बनाते। परमात्मा कभी देह को भोगता नहीं, देह धारण करता नहीं, वो एवर प्योर रहता है, वो काले गोरे से काला या काले से गोरा नहीं बनता। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं, ये भी बच्चे समझते हैं। शिव तो चक्र में आता ही नहीं। मुझे यहां सवेरे भी बात अटकी थी, क्या शिव बाबा इस चक्र में नहीं आते? आते आते हैं ना, क्योंकि उनका रिकॉर्डिंग 5000 साल का है, एक्यूरेट टाइम पर हम सबको आके पढ़ाते हैं, सबको पावन बना के घर ले जाते हैं, परमात्मा करो। हाँ बस शरीर के जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, परंतु 5000 साल का तो एक्यूरेट टाइम पर चक्र पर चलते, चक्र में आता नहीं है।
उनको गोरा व सांवरा दिखा न सके, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में आए तो गोरा काला बनाए। बाप समझाते हैं तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है, सांवरे से गोरा बनना है, भारत गोरा था अब काला क्यों बन गया, काम चिता पर बैठने से, काम विकार से क्या बन गया, काला बन गया। सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया, वो कहते सागर के बच्चे आग में जल मरे, परंतु कौन सी आग में जल मरे उनको समझ में नहीं आया। अब बाबा कहते मैं हूं ज्ञान का सागर, मेरे तुम बच्चे विकारों की आग में जल कर भस्म। अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा करते हैं तो विकारों की आग बुझ जाती है। ये भी समझते हो ये एक ही सत का संग, एक ही परमात्मा गॉड इज ट्रुथ सत्य है, उसका संग है परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। तो जरूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे ना, पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठकर तो अमर कथा नहीं सुनाएंगे। उन्होंने तो दिखाया कि अमरनाथ में पार्वती को अमर कथा सुनाए। अब समझने वाली बात है ना, तो वहां अब शिव बाबा बैठा है, ना शंकर बैठा है, ना पार्वती बैठी है। अब वहां बनता है खाली एक बर्फ का, और वो भी बना दिया जाता है, बर्फ इकट्ठी करके रात को रख देते हैं, सवेरे तक वो शेप ले लेता है। अब उस वहां जाने से आज तक कोई अमर हुआ हो तो बताओ, एक भी अमर हुआ हो तो बताओ, अमरनाथ जाने से मर गए। मतलब कहने वाला मेन बात समझने वाले कितनी भेड़ चाल चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक पार्वती को थोड़ा कथा सुनाएंगे, तो किसको सुनाएंगे फिर, सभी पार्वती, हम सभी आत्माएं, हम सभी कौन है, पार्वतन से आई हुई पार्वतनी आत्माएं पार्वतियां, क्योंकि हम सबको अमर कथा सुनाने का कारण क्या है, क्योंकि हम सारे मरने वाला समझ बैठे। जो मरने वाला समझता हो उसी को तो अमर किया जाए। आप परमात्मा ने आकर हमको अमर कथा सुनाकर क्या कर दिया, अमर। हम कभी मर ही नहीं सकते, हम आत्मा हैं और हम अमर हैं, ये है अमर होना। वो सुना नहीं सकते ना, नहीं तो कबूतर सुन ले तो सबको अमर कर देते। यदि पार्वती जागती रहती वो सबको अमर कर देती। अब आप में से भी जो सोया रहेगा वो किसी को जाग के थोड़ा अमर करेगा। ऐसा है, भक्ति मार्ग के बहुत गपोड़े हैं। एक गपोड़ा तो है कि कबूतर ने सुनी, वो जो है ना क्या हो गया, बता नहीं सकता है ना। हाँ वो जो भी कहो। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरा मैंने आपको सुनाया था तोते ने सुनी, बताया था नहीं, बताया था अभी। तोते ने कैसे सुनी थी मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि तो मैं चला गया विद्या जाके देखूं, भागवत सुनाते हैं वहाँ, तो वहाँ जा देखूं, उनको बताऊं कि तुम क्या सुनाते हो और क्यों सुनाते हो। वहाँ गया तो कोई था ही नहीं, एक दो उनके चेले बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बात किया तो देखा एक तोता लटका हुआ था। मैंने कहा तोता क्यों लटका रखा है, कहते आपको नहीं मालूम। हाँ हाँ नहीं मुझे नहीं मालूम, कहते ये सुखदेव हैं। मैंने कहा कमाल हो गया, हाँ ये सुखदेव जिसने भागवत सुनाई, ये अमर कथा है भागवत है नहीं, तो कैसे भागवत अमर कथा हो गई। बोले कि परम शिव ने जो है क्या बोलते हैं, जिस समय पार्वती को कथा सुनानी थी, बाबा कहते सुखदेव, दुनिया वाले सुखदेव कहते हैं। अब उनकी बात बता रहा हूँ, पहले भक्ति की बात समझ में आएगी तब हम सच को समझ सकेंगे ना। तो अब उसके बाद क्या है कि तोता बोले क्या हुआ कि शिव ने जब पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू करनी थी, उससे पहले उन्होंने सारे संसार को जितने भी
चैतन्य आत्माएं हैं, पशु पक्षी जीव सबको जो है ना उसने अपने मंत्र से क्या कर दिया कि ये कुछ भी सुन ना सके। हाँ, कबूतर वाली कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। अच्छा, उसके बाद ना सुन सके। अब क्या हुआ कि जिस समय उसने ये कहा उस समय वहां तोते का एक अंडा था, अंडा तो चेतन में नहीं आता, और जैसे ही वो पूरा हो गया समय, उसने अपना जो काम करना था कर दिया और वो अंडे से तोता निकल आया। अब जो सारी कथा शिव ने पार्वती को सुनाई, पार्वती ने तो नहीं सुनी, वो तो उस तोते ने सारी सुन ली। वो तोता फिर भागा, उसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी बता दी, और लास्ट में वो आकर सुखदेव बना, सुखदेव बना। उसने ये भागवत लिखी, ये है वो अमर जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती, ये है अमर कथा। तो वास्तव में कपोड़े सुनाने में तो हम सारे हाँ, किसको सुनाई थी भागवत, किसको सुनाई थी, परीक्षित को। क्यों सुनाई थी, उसको भी मौत का भय था कि सातवें दिन मैं मर जाऊंगा, सातवें दिन मैं मर जाऊंगा, इसलिए उसको भागवत सुनाई। परंतु वही सांप आया, उसको दसा और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर भी अमर नहीं हुआ। फिर वो अमर कथा कैसे, कौन पूछे उनसे, सुखदेव, सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुना। अब ये कहानियां हैं, जैसे मर्जी घुमा दो और मूर्ख किसको बनाना हो बना दो। मतलब मैं बता रहा हूं, मतलब समझाने का मतलब, समझने का मतलब है। हाँ, देख पूछेंगे तो आएगा तो पूछेंगे ना, तो आने देना है, लेकिन क्योंकि हमें फिर समझाना है उनको, तो सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है। एक की तो बात नहीं ना, भगवान ने तो सबको पावन बनाना है, एक को तो नहीं बनाना है। तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे। आपको जल्दी है क्या, जल्दी तो नहीं ना आपको, आपको जल्दी तो नहीं है ना, इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियां निकलती हैं, छोटी छोटी टालियां निकलती हैं, ये सब हैं छोटे छोटे मठ पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं, जब झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे, नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और ना फल निकलेंगे। तो हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। लड़ाई भी तुम्हारी किसके साथ है, माया, माया के साथ है। इतना ऊंच पद है तो जरूर कुछ मेहनत करेंगे ना, पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य होना है, अब राम राज्य होना है। कहते भी हैं राम राज्य हो, परंतु ये पता नहीं कि कब और कैसे होगा। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अच्छा, फिर क्या हुआ, परले तो होती नहीं, परले तो होती नहीं, वो कहते हैं परले हो जाती है। अधिका क्या देखो ना, कितनी कमाल के पहाड़ों को क्या, पहाड़ों पर पांडवों को क्या दिखाया, गल मरे। पहाड़ों पर क्यों चढ़ के चढ़ते जाते गल मरे, क्योंकि चढ़ती कला सुधरते जा रहे थे, सुधरते जा रहे थे, अंत में भी उन्होंने भी शरीर छोड़ा। मतलब पांडव भी तो शरीर छोड़ेंगे ना, तो हमने भी अपने आप को चढ़ती कला में ऊंची चोटी पर पहुंचाकर अपने शरीर को छोड़ा। अब कोई कितना पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ता है, ये उस पांडव की अपनी बात है। नहीं तो कहीं भी मार सकते थे पांडवों को, मरना तो उनको भी था, कौरव भी मरे, यादव भी मरे, तो पांडव भी मरे, तीनों ही मरे। एक तरफ दिखाते हैं कि बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए,
पांडव खत्म हो गए, ये कैसे हो सकता है? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? जरूर ब्राह्मण चाहिए, जरूर कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे, हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं, यहाँ हम ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं, वहां ज्ञान गंगाओं द्वारा। मधुबन में क्या है? शिव बाबा, ज्ञान का सागर, और सेंटरों पर कौन है? ज्ञान गंगाएं, वहां ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हो। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं, अमरनाथ से थोड़ा सा आगे ले जा करके एक उन्होंने तालाब ढूंढा है जिसे मानसरोवर कहते हैं, उसमें स्नान करने से परीजादा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? परीजादा बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान मान सरोवर। वो तो दिखाते हैं कि वहां भी जाते हैं, दुनिया स्नान करने के लिए जाते हैं, बहुत बर्फ जैसा ठंडा पानी और बर्फ ही बर्फ है, समझते हैं कि हम परियां बन जाएंगे, पर तो वहां पर भी कोई परी आज तक नहीं बना। बाबा कहते ये है ज्ञान मान सरोवर, ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते, ज्ञान स्नान कराते हैं, जिसमें तुम बहिष्ट की परियां बन जाते हो। जिसमें तुम क्या बनते हो? बहिष्ट की परियां बन जाते हो। परियां नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बिना बना दिए, ऐसे पंख वाले मनुष्य दुनिया वालों ने बना दिए, बाकी कोई पंख वाला मनुष्य होता नहीं। तो कौन से पंख लगते हैं हमें? हाँ जी, उमंग और उत्साह के पंख लगते हैं। उसके लगाने की विधि क्या है? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग को हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमें उमंग उत्साह के पंख लगेंगे, जिससे उड़कर हम चढ़ती कला में परम धाम पहुंचेंगे। वास्तव में पंख आदि की बात नहीं है, आत्मा के उड़ने के पंख अब टूटे। किसके पंख टूटे हैं? आत्मा के। शरीर के कोई पंख नहीं होते, नहीं टूटे हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, ये भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है, इनको भी बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म, कृष्ण तो सतयुग का पहला जन्म। बाबा भी कहते कृष्ण से पहले कोई पवित्र जन्म नहीं ले सकता, राधा भी नहीं ले सकती, और चाहे वो कितना भी देर से लेती है, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है कृष्ण ही सबसे पहली आत्मा है जो निर्विकारी जन्म लेती है, सबसे पहला जन्म कृष्ण का। और उसमें ये बात स्पष्ट की कि आत्मा जैसे ही गर्भ में प्रवेश करती है यहीं से जन्म होता है, ना कि बाहर आने के बाद। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाता है। 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है, वो तो समझते हैं कि यहां जन्म हुआ, इस टाइम के हिसाब से जन्म कुंडली बनाते हैं। बाबा कहते आत्मा ने 3रे महीने जब गर्भ में प्रवेश किया उसी समय ही उसका जन्म होता। सबसे पहले जन्म जो है इसका होता है कृष्ण। तो जो श्री नारायण था वे बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है, अब साधारण
फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे, भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे। ना समझने के कारण कृष्ण का नाम डाल दिया है, पता नहीं ना कौन है भगवान, उनको दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने किसका नाम डाल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया जो सबसे पावन है। क्यों इसका नाम डाला, क्योंकि वो सबसे पावन है। दूसरा क्यों डाला, क्योंकि उसने अपने आप को पवित्र बनाया। अब उनको ये समझ में नहीं आया किसने पवित्र बनाया, क्योंकि सबसे पावन बना है ना, इसलिए उसका नाम डाल दिया। बनाने वाला उनको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बनाने वाला है गुप्त। ब्रह्मा सो विष्णु लिखा, एक सेकंड में बना, परंतु किसने बनाया, कब बनाया, वो परमात्मा उनको इन आंखों से दिखाई नहीं दिया। क्योंकि व्यास ने भी अपने उसमें ये लाइन बड़ी वंडरफुल लिखी हुई है कि इन दो आंखों से नहीं, मैंने ज्ञान के तीसरे नेत्र से सृष्टि के आदि मध्य अंत को देखा, देखा व्यास लिखता है इस बात को, है नहीं। और जो कविंदतियां, जो कथाएं ऑलरेडी समाज में प्रचलित हैं, उन सबको एकत्रित करके मैं ये काव्य लिख रहा हूं, जो आगे चलकर पंचम वेद के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसका मतलब है कि उसके इसको लिखने से पहले चारों वेद लिखे जा चुके हैं। वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि ये पांचवा वेद होगा, और उसने स्वयं उसका नाम जय दिया। फिर जय से भारत, भारत से फिर महाभारत, तो इस प्रकार से उसका नाम धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। मतलब मेरे यहाँ के नहीं, मतलब कि उसने भी बुद्धि से देखा, याद किया। हो सकता है उसके पास जो भी समझ हो, जो भी, परंतु वो जो देख पाया, जो समझ पाया, जो कुछ भी उसको समझ में आया उसने, क्योंकि परमात्मा को तो देख नहीं सकता था। अब परमात्मा उसको दिखाई नहीं दिया, कृष्ण उसको दिखाई दिया, तो उसने वो क्विंदितियां कथाएं कहां से आई थी, प्रचलित कैसे हुई, क्योंकि वो भी उसी समय की बात है ना, कि जो परिवर्तन हुआ पृथ्वी में, धरती के टुकड़े टुकड़े हुए, तो जो आत्माएं जिनके शरीर सुरक्षित आए थे, उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि हम जहां रहते थे वो स्वर्णिम दुनिया थी। तो वो कहानियां चलती आ रही थी ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, लिखा तो नहीं किसी ने उसको, परंतु वो कहानियां चलती आ रही थी, और उन्हीं कहानियों के आधार पर उन्होंने, व्यास ने इकट्ठा जोड़ करके कि स्वर्णिम दुनिया थी, ऐसा था, वैसा था, और वर्तमान तो उसके सामने था ही था कि महाभारत का रूप कैसे बनता है, तो उसने अपना एक पुट उसको दे दिया। अब श्री कृष्ण को सारे तो भगवान मानेंगे नहीं, भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव मशहूर है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां है सूक्ष्म वतन में, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये अच्छी रीति समझना चाहिए, धारणा बहुत अच्छी चाहिए, आपस में एक दो को ये याद दिलाना चाहिए, बाबा को याद करते हो, 84 के चक्र को याद करते हो, अब घर जाते हो, ये पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है, अभी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता है, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा, वो नशा टूटना मुश्किल होता है, गरीबों का नशा टूट जाता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूं, आते भी गरीब हैं, आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है, करोड़पति को आजकल नहीं, जिस टाइम मुरली कही होगी, आजकल तो करोड़पति सारे हैं, लखपति को पैसे वाला हाँ नहीं कहेंगे, बाप कहते हैं लखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे, करोड़पति को पैसे वाला कहेंगे, आज तो करोड़पति भी पैसे वाले नहीं है, उससे भी बड़े बड़े पड़े, करोड़पति तो कुछ नहीं, करोड़पति कुछ भी नहीं आता, वे तो ये ज्ञान उठा नहीं सके,
बाप कहते हैं हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं, अब क्या करेंगे, हमको गरीबों के पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है, हम पक्का व्यापारी भी है, ऐसे थोड़े ही फालतू लेंगे जो फिर देने पड़ेंगे, तुम्हारा मट्टा सट्टा है। इसलिए भोला नाथ कहा जाता है, गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं, पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे, पढ़ाई तो एक है ना, गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि सौकारों को तो पैसे का नशा रहता है, तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल हैं, अब बाप आया है, 84 का चक्र जरूर लगाना है, पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे, तुम सिक्की लद्दे बच्चे हो, 84 के चक्र में आते हो, ये भी तुम जानते हो, और कोई को पता नहीं, और कोई को पता नहीं, तुम जानते हो चक्र पूरा होता है, अब घर वापस जाना है, पढ़ाई को दोहराना है, चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा, चित्र रखा होगा देखकर चक्र याद आएगा, गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है, तुम अब शिव बाबा के बने हो, वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है साकार द्वारा, निराकार कैसे दे जब तक साकार में ना आए, निराकार बाबा वर्षा नहीं दे सकता जब तक साकार में ना आए, तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में क्या करता हूँ, प्रवेश करता हूँ, प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना, ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली भी गाया जाता है, बच्चों को बाजोली भी समझाई है, हम अभी ब्राह्मण हैं फिर देवता बनेंगे, चोटी देखने में आती है, ऊपर में है शिव बाबा स्टार, कितना सूक्ष्म है, इतना बड़ा लिंग नहीं, इतना बड़ा लिंग नहीं है, ये तो पूजा के लिए बनाया है, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग बना लेते हैं, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, सौकार लोग बहुत बनाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है, द्वापर से पहले है 16 कला, फिर त्रेता में 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं, अभी तो कोई कला नहीं है, ये बाप बैठ समझाते हैं, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, नोट करते जाओ, पतियों का पतियों के पति को कितना टाइम याद किया, पतियों के पति कौन है, पतियों का पति कितना याद किया, ये नोट करो, अव्यभिचारी सगाई चाहिए, रिश्ता कैसा चाहिए, अव्यभिचारी, एक बाप को ही याद करना है, किसी दूसरे को याद किया तो सगाई कैंसिल, टूट गई, मित्र संबंधी आदि सब भूल जाए, कोई याद ना रहे, ना मित्र संबंधी कोई भी, बच्चा भी पति भी कोई भी याद नहीं, सारे याद हैं सबके साथ है, परंतु हमने कहना शिव बाबा का, एक से ही प्रीत रखनी है बस, जैसे जिससे वो जितनी बात करने के लिए परमात्मा कहे उतनी बात करो उसके साथ, उससे फालतू बात नहीं, इस विशेष सागर से खीर सागर में जाना है, क्योंकि ये विकारी जहर का सागर है और हमें कहा जाना है खीर सागर में, आत्माओं को बैठक की बैठक तो ब्रह्म तत्व में, आत्माएं तो परम तत्व परम धाम में रहती हैं, ब्रह्म लोक में रहती हैं, खीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं, विष्णु और ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते, हाँ खीर सागर नहीं देखा, उठ के देखो ये है खीर सागर, नहीं 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 नहीं, खीर सागर जहाँ विष्णु लेटा हुआ है, लक्ष्मी बैठकर उनके चरण दबा रही है, ये है खीर सागर, यहाँ ब्रह्म विष्णु की नाभि से ब्रह्मा क्यों निकला,
आपका क्वेश्चन ये होगा क्यों निकला यहाँ पर। एक्चुअल में क्या है कि देवता जाते हैं नारायण के पास, जाकर कहते हैं हमारी पृथ्वी को राक्षस पाताल में ले गए, त्राई हो हमें बचाओ। तो विष्णु क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, जादू का खेल शुरू होता है, ब्रह्मा पैदा हो जाता है। अब ब्रह्मा के नाक से वराह अवतार होता है, ब्रह्मा के नाक से वराह, वराह संत है ना, सुअर के मुख वाला देवता पैदा होता है। वो फिर जा करके असुरों का नाश करके पाताल से पृथ्वी को अपने नाक पर, एक सिंह होता है उसके नाक पर, अपने सिंह पर पृथ्वी लाकर देवताओं को देता है। अब यहाँ पर मैंने कई बार पोस्टमार्टम किया इस कहानी का, कि पहला पोस्टमार्टम ये कि खीर सागर यदि इस पृथ्वी से कहीं बाहर है जहाँ नारायण लेटा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी को तो पाताल में ले गया राक्षस, तो देवता वहां जाकर जाते हैं और देवता वहां प्रार्थना करते हैं और नारायण फिर ब्रह्मा को जन्म देते हैं, ब्रह्मा के नाम से वराह अवतार होता है। अब वराह आकर के असुरों का विनाश करके पृथ्वी ला करके नाक पर ले आया। अब फिल्म में दिखाना तो आसान है, समुद्र में से निकलता हुआ दिखा दिया, समुद्र में लड़ता हुआ भी दिखा दिया। अब ये बात आती है समुद्र के नीचे ले गया है, इसी पृथ्वी के अंदर पृथ्वी को ले गया है, क्या मतलब हुआ, मतलब कहानी को पोस्टमार्टम। अब ये समझ में नहीं आती ना कि वो क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। उनकी नजर में पाताल इस समुद्र के नीचे जो है ना क्या है, पाताल नारायण के पास, नारायण के पास करेंगे ना, वो परमात्मा को जानते नहीं ना भाई, वो परमात्मा को जानते नहीं, वो सारे के सारे खीर सागर में आए। आप देखेंगे यहाँ पर देवताएं भी खड़े हुए दिखाते हैं फिल्म में जो दिखाते, यही है ना, देवताएं पृथ्वी के देवताएं जाते हैं नारायण के पास और नारायण को जाकर रिक्वेस्ट करते हैं हमारी पृथ्वी राक्षस पाताल में ले गए। अब आध्यात्मिक रहस्य ये बनता है कि हम सारे परमात्मा को पुकारते हैं, हम परमात्मा को पुकारेंगे परंतु वो दुनिया वाले नारायण को ही भगवान समझते हैं ना। हाँ, वास्तव में हम देवता थे, हमारा जब करेक्टर डाउन हो गया, हमारा चरित्र जब पाताल में चला गया तो हम दुखी हुए और हमने परमात्मा को पुकारा, परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से आकर हमें ज्ञान सुनाया, जिस ज्ञान से फिर ये आसुरी दुनिया देवी दुनिया बन गई। तो ये है खीर सागर। हाँ, ब्रह्मा जब संपूर्णता को प्राप्त हुआ तो विष्णु बन गया, कृष्ण बन गया। हाँ, प्लानिंग है, शिव बाबा की परमात्मा की प्लानिंग। वो परमात्मा नारायण को समझते हैं ना, वो तो किसी और को परमात्मा समझते हैं। फिर तुम विष्णुपुरी खीर सागर में चले जाएंगे जहाँ कोई दुखी नहीं, जहाँ सुखी सुख है। अब बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था, तुमको याद दिलाते हैं कि तुम ना अंगे अशरीरी आए थे, पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए, भगवान जब सबका बाप है तो सबका, सबको स्वर्ग में जाना चाहिए ना, सबका पिता है, परंतु सब धर्म तो आ नहीं सकते, 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उन्हों को ही आना है, ये सब बातें तुम्हारे सिवाय कोई जान ना सके, अच्छी बुद्धि वाले ही धारणा करेंगे, थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आत्मा, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है, अब ये अंतिम जन्म है, आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी, सतयुग में सच्चा जेवर थे, अब सब झूठे हैं। और फिर
तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो, श्वासों श्वास याद करेंगे तो वे अवस्था अंत में होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, खीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाप की याद दिलानी है। नंबर दो, विनाशी धन का नशा नहीं रखना, विनाशी धन का नशा नहीं रखना, ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। वरदान, बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी। बाप की मदद द्वारा अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्साह हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वे सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, आता ही नहीं करे कैसे, अपने हाथ से कोई काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते। कैसे करते होंगे मदद? सिर्फ वो रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखा दिया, याद रखेंगे तो उस रास्ते को हम प्रयोग कर सकेंगे। रास्ता हमें याद नहीं है तो खाएंगे, कोई इलाज नहीं। फार्मूला तो बताया था पर तुमने फार्मूला याद ही नहीं किया, तो टाइम आया उसको यूज करना था तो फिर मूझ जाएंगे, क्या करें। ऐसी कर्म योगी स्थिति है। कर्म कैसे करना है? बाबा की श्रीमत पर। तो ऐसी कर्म योगी स्थिति है आप और बाप, बस और किसी का बात ही नहीं है। तो जब ऐसे बाबा की याद में आप कर्म करेंगे तो कभी भी थकावट फील। तो थकावट कब होती है, बोरियत कब होती है? जब कोई काम नहीं हो रहा, होता चला जाए तो मजा आता जाता है। कोई भी चीज़ है, आप कोई भी काम कर रहे हो घर के अंदर। स्लोगन, मेरे में ही आकर्षण होती है। इस लाइन में क्या समझे हम? मेरे में ही आकर्षण होती है। पहले इस लाइन को बताओ। उसमें फंसेगी, जिसको हमने मेरा कहा वो खींचेगा, वो बुद्धि को फंसाएगा उसमें। कोई भी, मेरा वस्तु, मेरा पति हो, वही है ना, मेरे में ही आकर्षण होती है। और जिसको हम मेरा कहते हैं उसी में ही आकर्षण होता है। अब किसी का रुमाल टूट जाए, गोल गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हमें क्या बोल, मेरा रुमाल गिर गया, वो जो है ना याद रहेगा, वो भूलेगा नहीं। किसी के रुमाल कितने भी गुम हुए हों वो तो मेरा है ना, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी चीज, कोई भी छोटी से छोटी चीज वो अपनी तरफ खींचती है और वो परमधाम जाने से ऑब्स्टेकल है, रुकावट है। इसलिए क्या करो, मेरे को तेरे में परिवर्तन। वो कह दो मेरी है बस, मेरी है कहो, फंस गए। अब मेरी आपने कह दिया तो फंस गए। परंतु मैंने बताया था ना कि एक बहन को ही मैंने अभी तक देखा है जो मेरी नहीं बोलती।
वो तुरंत कहेगी ये बाबा की, हाँ ये मेरे बाबा की है। तो बाबा, मेरे बाबा तो कहना है ना और किसी के आपके पास क्यों आएगी? उड़ीसा के जो सेंटर के इंचार्ज है वो लेक्चरर रिटायर है, और वो कभी भी मैं और मेरा नहीं बोल, कभी भी नहीं बोल। मतलब आत्मा, अपने को वो आत्मा ही बताएगी, मैं आत्मा। कितनी बड़ी बैठक हो, कितनी बड़ी कुछ हो, मतलब उसको आदत बनी हुई है कि उसने अपने आप को मैं आत्मा ही कहना है। मेहनत किया, हिंदी थोड़ा धीरे धीरे बोलती है, बाकी उड़ीसा की है तो उड़िया भाषा जो उनकी है वो और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।